आयोडा क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा का सेकंड एप्लीकेशन कर रहे हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन मैंने कर दिया है। अगर आप लोग नहीं किए हो तो आई कार्ड बटन पे जरूर क्लिक कर लो और वहाँ से जो है फर्स्ट एप्लीकेशन आप देख लो। अच्छा है, फर्स्ट एप्लीकेशन बहुत ही अच्छा है। अब देखो सेकेंड एप्लीकेशन क्या बोल रहा है कि शो डैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 और 3m+2 फॉर सम इंटीजर m। तो क्या बोल रहा है कि दिखाना है हमें कि जितने भी ऑड जो इंटीजर्स हैं हमारे, सॉरी जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो किस फॉर्म में होंगे। वो 3m के फॉर्म में होगा या तो 3m+1 के फॉर्म में होगा या फिर 3m+2 के फॉर्म में होगा, यही मुझे शो करना है। तो मैंने आपको पहले भी कहा है कि इतना सा बात जो है आपको हर एक क्वेश्चन में लिखना ही लिखना है। तो यहाँ पर 3 बोल रहा है कि 3m के फॉर्म में होगा, तो हम लोग एक काम कर रहे हैं कि मान लेते हैं कि लेट n जो है हमारा, n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। n क्या है, कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है विच इज डिवाइडेड बाई 3, जिसको 3 से डिवाइड किया जा रहा है एंड गिव्स m एज अ क्वोशेंट। और हमें क्या दे रहा है कि एक m एक क्वोशेंट दे रहा है एंड r एज अ रिमाइंडर। और r क्या दे रहा है हमें, रिमाइंडर दे रहा है। तो क्या बोल रहा है कि देयर फोर बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, हम लोग जानते हैं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम लोग क्या जानते हैं कि डिविडेंट इज इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये होता है। तो अब देखो तो डिविडेंट क्या है हमारा, डिविडेंट है हमारा n, तो n इज इक्वल टू डिवीजर। डिवीजर क्या होता है हमारा, तो डिवीजर क्या है यहाँ पर हमें 3 है, तो 3 इंटू क्वोशेंट, क्वोशेंट क्या है हमारा तो m है, तो m लिख दिया प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर हमारा r है तो यहाँ r लिख दिया, ठीक है। वेयर जहाँ के r जो होगा हमारा, समझना इस बात को, r क्या होगा वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो सकता है नहीं, और डिविजर से छोटा होगा, डिविजर क्या है हमारा 3, तो ये 3 से छोटा होगा, ठीक है। तो अब देखो तो दिस इंप्लाइज r क्या क्या हो सकता है कि r इज इक्वल टू या तो 0 होगा या नहीं तो 1 होगा या नहीं तो 2 होगा, ठीक है। अब मैं इसकी बात नहीं करने वाला हूँ, वो आप लोग खुद से करेंगे। देखो इसके बाद फिर से जो है आपको केसेस, जितने भी केसेस हैं आपको केसेस लेना है। एक केस में करके दिखा दे रहा हूँ कि केस वन ले रहा हूँ मैं, केस वन व्हेन आर इज इक्वल टू 1, जब आर का वैल्यू, सॉरी 1 नहीं 0, जब हम आर का वैल्यू 0 ले रहे हैं और यहाँ पुट करेंगे, ये जो इक्वेशन है ना ये वाला, तो इस पर पुट करते हैं हम लोग, तो r के वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे तो दिस इंप्लाइज n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, n इज इक्वल टू हो जाएगा कि 3m और r की जगह पे तो 0 है तो प्लस 0, यानी कि यहाँ से n का वैल्यू आ गया हमारा 3m के फॉर्म में। तो यही बात तो बोल रहा था कि 3m के फॉर्म में आएगा, यानी तो 3m+1 के फॉर्म में आएगा। हाँ, जब अब आप केस टू लोगे, केस टू में वैन r का जो वैल्यू है 1 पुट करोगे, जब यहाँ पर 1 पुट करोगे तो 3m+1 के फॉर्म में आएगा। केस थ्री लोगे और केस थ्री में जब हम लोग r का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो वो 3m+2 के फॉर्म में हो जाएगा। तो यही मुझे दिखाना है। तो 3 केसेस आप दिखा देना, एक मैंने दिखा दिया है, बाकी 2 और 3 आप दिखा देना और लास्ट में लिख देना कि हैंस क्या किस फॉर्म में होंगे हमारे, 3m, 3m+1 एंड 3m+2 इस फॉर्म में हमारे इंटीजर्स होंगे। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद वाला जो एप्लीकेशन है ये इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग करने वाले हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।